बेकाबू गुस्सा कई बार इतना खतरनाक हो जाता है कि बाद में सिवाय अफसोस के और कुछ भी नहीं बचता। दिल्ली के इस परिवार की हालत कुछ ऐसी ही है। यहाँ नंद नगरी के रहने वाले एक शख्स ने अपने छोटे भाई की जान सिर्फ इसलिए ले ली क्योंकि छोटे भाई ने उसे मजाक मजाक में मोटा कह दिया था और बड़े भाई से यह मजाक बर्दाश्त नहीं हुआ। शुक्रवार रात को महज इसी बात पर दोनों भाइयों के बीच घर में ऐसी झड़प हुई कि बड़े भाई ने छोटे को कैंची से कूदकर मौत के घाट उतार दिया। हालांकि घर वालों को अब भी यह मामला गुस्से का नहीं बल्कि सिर्फ एक हादसे का लग रहा है और हर किसी का कहना है कि बड़े भाई ने जान धोखे से ली, उसका कत्ल करने का इरादा कतई नहीं था। बड़े वाले भाई आए काम पे से, जाफराबाद काम चल रहा है, वहाँ से आए तो दोनों भाई की पता नहीं ऊपर क्या मुठभेड़ हुई, वो कैंची धोखे से लगी। हाँ गंती थी भाई और भैया का हो, तो कोई हथुई ही ना हो, कोई ना हो, दोनों भैया ये और कोई ना हो, पता नहीं हमें कैसे एकदम ही ऊपर से आए, हम नीचे से आई, मैं ऊपर देखा तो जब वो ऐसा हो चुका था जब मैं आई तो। ये तुमने खुद ने मतलब जानबूझ के मारा है बच्चे को यहाँ पर? अच्छा। तुम्हारी साइज से इसमें? अच्छा। हाँ बच्चा, अपने बच्चों को हम मरवाएंगे क्या? नहीं, अपना माँ बाप चाहेंगे कि मेरा बच्चे का खून हो जाए? दिल्ली के नंद नगरी में दहलाने वाली वारदात, मामूली बात पर बड़े भाई ने किया छोटे का कत्ल। छोटे भाई के मजाक करने पर आ गया गुस्सा। सिर्फ महीने भर बाद ही होनी है बहन की शादी। इस परिवार में माता पिता के अलावा एक बहन और चार भाई थे, लेकिन शुक्रवार की रात को हुई वारदात के बाद तीन भाई बचे हैं। बड़े भाई नाजिम ने गुस्से में खुद से छोटे आरिफ को कैंची से गोद दिया जिससे उसकी जान चली गई। घर वालों की माने तो आरिफ ने नाजिम को मोटा कहकर पुकारा था, जिसके बाद दोनों भाइयों में लड़ाई हो गई और नतीजा कत्ल की सूरत में सामने आया। हालांकि घर वाले अब भी इसे एक हादसा ही मान रहे हैं और उनका कहना है कि ये कत्ल गलती से हो गया, कोई सोची समझी साजिश के तहत नहीं। गलती से हुआ सर, ऐसा है कि आपसे में वो यहाँ कैंची रखी हुई थी, पता नहीं वो गाली वाली दे रहा था, कुछ छीना झपटी हुई तो उसके थोड़ी सी यहाँ पर चोट लगी। लड़की की शादी भी चार पाँच दिन मतलब शादी एक हफ्ते रह गया शादी का, वो कपड़े से सीने के लिए कैंची नहीं छोड़ गई। वो तो थोड़े बहुत तो घर में हो जाती है, मजाक तो चलती है भाई भाई में। वो कुछ और कहता होगा, वो मोटा कह दिया होगा, लेकिन इतने पे कोई हत्या कोई ना कहेगा, मोटे कहने पे कोई भाई अपने भाई को जान से कोई ना मारेगा। अब वो धोखे से लग गया, उन्हें पता नहीं फेंक के मारा क्या हुआ, अल्लाह बेहतर जाने, वो जानता जो मेरा भाई चले गया। हम उसी घर के बाहर मौजूद है जहाँ पर ये पूरा वाकया हुआ है, 1 तारीख की देर रात का वाकया जिसमें निज़ाम की जो है वो मौत हो गई। इनकी बता रहे हैं जो घर में एक इनकी बहन है जिसकी शादी होनी है 1 महीने बाद, तो जाहिर तौर पर परिवार जो है वो सदमे में है। एक तरफ जहाँ एक भाई जेल चला गया, वहीं दूसरा इनके लिए सबसे बड़ी टेंशन ये है कि एक भाई की डेथ हो गई, और तीसरी टेंशन है कि परिवार में 1 महीने बाद शादी भी है। पुलिस ने इस मामले में खबर मिलते ही रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी नाजिम को गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल भेज दिया। शुरुआत में जब बात हुई घर वालों से तो उन्होंने बताया कि नहीं, कैंची ऊपर से गिर गई थी और इसलिए इनकी जो है वो डेथ हो गई। हम लोग यहाँ हॉस्पिटल में लाए और यहाँ हॉस्पिटल में ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया। तो जब उन्होंने बात करना शुरू करा फैमिली मेम्बर से तो कुछ कुछ अलग अलग वर्जन्स हैं। जैसे एक इनका बड़ा भाई है जो आरिफ है, उनका बड़ा भाई है निजाम, उसने बोला कि मैं उस टाइम पे घर से बाहर था, लेकिन जब उनकी वाइफ से बात करी गई तो उन्होंने बोला कि वो तो घर में ही थे। हालांकि इस कत्ल की वारदात के बाद घर वालों पर दोहरी मुसीबत आन पड़ी है। अव्वल तो एक बेटे की जान ही चली गई और दूसरा बेटा अब जेल चला गया, और ऐसा तब है जब महीने भर बाद घर में बेटी की शादी है। ऐसे में किसी को समझ में नहीं आ रहा कि परिवार इस मुसीबत से बाहर निकले तो कैसे निकले।